आलू की टिक्की की बहुत ही एक आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने उबले आलू लिए थे 5-6, उनको छील करके इस तरह कद्दूकस करके रख लिया है। इसमें फिर डाला कॉर्नफ्लोर पाउडर, आलू की मात्रा के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा 2 से 3 चम्मच। उसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा जीरा और थोड़ा खटाई पाउडर, इसके बाद थोड़ा गरम मसाला, ये सब डाला और इनको अच्छी तरीके से फिर इनका आटा मार लिया। इसमें आप हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ये टिफ़िन के लिए बना रही हूँ और वो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने इसमें नहीं डाला। खैर, इसके बाद इसकी हमने इस तरह से गोल गोल लोई ले ली और हल्का सा उन्हें प्रेस करके इस तरह टिक्की की शेप दे दी। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल को अपना ये गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब ये होंगी डीप फ्राई। बस इसके बाद ये हमने इसमें डीप फ्राई कर लिए गोल्डन ब्राउन होने तक और फिर इन्हें निकाल लिया। ये रेसिपी मेरे बच्चों की फेवरेट है, वो भी ख़ास तौर से टिफ़िन में। हालांकि मेरे को तो ये गरम-गरम पसंद है, लेकिन बच्चे तो ठंडी हो भी हो जाए ना तो भी खा लेते हैं मज़े से।